بسم الله الرحمن الرحيم. इससे पहले यूनिट ए चैप्टर टू हमने पढ़ा। मालूम है आप लोगों को क्या टॉपिक था उसका? यूनिट ए चैप्टर टू का टॉपिक था "99 Names, 1 Creator". उस चैप्टर में हमने लर्न किया सबसे पहले कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, फिर हमने ये भी जाना कि अगर कोई 99 नेम्स लर्न करता है तो आखिरत में अल्लाह ताला उसको जन्नत में एंटर करेंगे, और उसी के साथ साथ बहुत सारे नेम्स का मतलब भी हमें मालूम हुआ। ये चैप्टर भी प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का पीडीएफ फाइल बनाकर आपको भेज दिया है, आप उसको देखिए, उसको रीड कीजिए, समझिए। इस चैप्टर का टॉपिक है 99 Names, 1 Creator पार्ट टू, द ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, लेकिन कुछ नेम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। उन नेम्स का यूज़ करना किसी और के लिए, किसी इंसान के लिए वो अलाउड नहीं है। देयर आर सम नेम्स दैट आर फॉर अल्लाह सुबहानहु व तआला अलोन। पीपल मस्ट नॉट गिव दीज नेम्स टू एनीवन अदर देन अल्लाह। These names include Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Raziq and Al-Razzaq. These are the names which you cannot give to anyone other than Allah. हम अभी इसका मतलब सीखेंगे इन नेम्स का। उसमें सबसे पहला नेम है अल्लाह। अल्लाह ये अल्लाह ताला का प्रॉपर नेम है। अल्लाह इज़ द प्रॉपर नेम ऑफ गॉड and means the one we worship. Allah ka matlab hai the one we worship. We must not worship anyone or anything other than Allah. In the same way, we cannot give this name to anyone other than Allah. Allah is a proper name of God. Second name, Ar-Rahman. It means
the most beneficent. Ar-Rahman is the one who has unlimited mercy for everyone in this world and in the hereafter for Muslims, for believers. Ab dekhiye, Ar-Rahman, the most beneficent, the most merciful. ये इस नेम का मतलब है और अल्लाह ताला की मर्सी आपको मालूम है. जैसे आप घरों में रहते हैं तो आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, आप पर मासी करते हैं. तो हदीस शरीफ में आता है कि एक माँ जितना अपने बच्चे से लव करती है, जितना अपने बच्चे को चाहती है, जितना अपने बच्चे पर मासी करती है, अल्लाह ताला उससे 70 मरतबा ज़्यादा, 70 बार ज़्यादा, 70 times मोर अल्लाह ताला अपने एक बंदे से, एक इंसान से लव करते हैं और उस पर मासी करते हैं. तो आप देखिए, इसीलिए अल्लाह ताला का एक नेम है अर्रहमान. अर्रहमान से रिलेटेड जो नेम है उसमें है अर्रऊफ, अर्रहीम, अलगफ़ार, अलगफ़ूर. ये सब के सब इन द सेंस ऑफ अर्रहमान, इन द मीनिंग ऑफ अर्रहमान है. बुक में आप देख लीजिए, बुक में उसका मीनिंग लिखा हुआ है. अर्रऊफ़ द काइंड, अर्रहीम द मोस्ट मर्सीफुल, अलगफ़ार द एवर फॉरगिविंग, अलगफ़ूर द फॉरगिविंग. तीसरा नेम है अलकुद्दूस. अलकुद्दूस ये भी हम किसी और का नाम नहीं रख सकते, किसी और को ये नाम नहीं दे सकते. अलकुद्दूस मीन्स द होली वन. अलकुद्दूस इज़ द वन हु इज़ प्योर फ्रॉम एनी वीकनेस और इम्परफेक्शन. ऑल पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स हैव शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस, बट अल्लाह इज परफेक्ट. नो वन इज होली but Allah. That means Al-Quddus. Okay, there are two names related to Al-Quddus: Al-Jaleel, the glorious; Al-Majid, the majestic. Al-Jabbar is the fourth name which we cannot give anyone other than Allah. What does it mean? It means the one